जब से ये सुना है हम लोगों ने तो मेरे फोन पे बस मैसेज पे मैसेज आते जा रहे हैं। सब लोग बहुत टेंशन में हैं क्योंकि पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अलग अलग बात है ना ये, क्योंकि हम लोग मतलब अंडर ग्रेजुएट्स नहीं है, हम यहाँ पे काफी सालों से है, हम यहाँ पे काम भी करते हैं, हमारी पूरी लाइफ है यहाँ पे, हमारी कम्युनिटीज हैं, हमारे घर हैं, तो हमारे लिए तो बिल्कुल मतलब हम कहाँ जाएंगे, जैसे हमारे लिए कोई कोई घर नहीं है कहीं और, मतलब हमारे पापा मम्मी भी रहते हो अगर, तो हम वहाँ नहीं रहते ना कई सालों से, तो बहुत टेंशन का माहौल चल रहा है और लोगों को बस और मतलब बहुत कंफ्यूजन भी चल रहा है क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है कि उन मतलब वो इसमें अफेक्ट होंगे या नहीं होंगे। ये सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हर एक स्टूडेंट अपने अपने आप से पूछ रहे हैं, अपने दोस्तों से, अपने टीचर से कि ये हमें कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो क्लैरिटी नहीं है, बहुत डर का माहौल बना हुआ है। पेंडेमिक चल रहा है, इसकी वजह से हमें रिसोर्सेज के को एक्सेस नहीं है, कम्युनिकेशन बहुत स्लो है प्रोफेसर्स के साथ। तो अगर आप इसके अंदर ये भी डाल दें कि आपको वापस जाना पड़ेगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत लो हो जाएगी। तो अगर आप अगर ये आईसीएस सोच रही है कि आप वहां पे बैठ के क्लासेस ले सकते हैं तो ये एक्चुअली बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है टाइम डिफरेंस भी है, ऊपर से इंटरनेट जो है उसका इशू है, और पाकिस्तान में तो स्पेसिफिकली लोड शेडिंग और इलेक्ट्रिसिटी का भी इशू है, तो और ऊपर से पेंडेमिक। I couldn't go back home this summer because of all these problems. Ki will I be able to come back or anything? So my everyone's very scared about what's gonna happen. Am I going to be able to graduate properly? Am I going to be able to do the things I wanted to do? Mere projects tha bahut sara, to wo kaisa hoga? Why off the students? My speculation, and I think I'm correct, is that they believe that even foreign students, after they graduate, then can do optional practical training and then they get jobs and get onto H-1 visas and then apply for green cards. They want to stop that. Whatever their mindset is, I can't understand. It makes no sense. And this is xenophobia.